हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अन्यास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो इजराइल और ईरान के बीच में होने वाली युद्ध की संभावनाओं के बारे में होने वाला है। क्या हुआ है ऐसा घटनाक्रम जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध तक बात आ पहुंची है। तो आइए मेरा वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए, लेट्स स्टार्ट। कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसका नाम मोहसिन फखरीजादेह है, उसकी आतंकवादी ग्रुप ने हत्या कर दी। यह हत्या उनके ही घर के पास तहरीन में हुई, लेकिन ईरान ने इसका सीधे सीधे जिम्मेदार जो ठहराया है वो इजराइल को ठहराया है और कहा है कि इजराइल उसके न्यूक्लियर प्लान से काफी नाखुश है और वो उसके साइंटिस्ट को मार रहा है और यही एक घटनाक्रम है। लेकिन अब ईरान चुप नहीं बैठेगा और वो इसका बदला लेगा। इजराइल एक हमेशा से एक ऐसा राष्ट्र रहा है जो यहूदियों का रहा है और उसके कट्टर दुश्मन के रूप में ईरान को और पाकिस्तान को माना जाता रहा है। तो आपको हमेशा ये थोड़ा सा इस बात में समझने की जरूरत है, यहां पर हमको हिस्ट्री के कुछ पॉइंट जानने की जरूरत है कि ईरान और इजराइल के बीच में आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ है, आखिरकार विवाद का कारण क्या है। तो थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना होगा। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथ थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं और 1980 में पहुंच के देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से शुरू। तो यहां पर आ गए हैं हम 1980 में। 1980 में इजराइल और ईरान काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और यहां तक कि इराक और ईरान वॉर में भी इराक का साथ देने की जगह ईरान का साथ दिया था इजराइल। लेकिन 1980 आते जब ईरानी क्रांति हुई, जिसको मुस्लिम क्रांति के बारे में भी कहा जाता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बारे में भी कहा जाता है, उस क्रांति में ईरान के ऊपर कट्टरपंथी मुसलमान नेताओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने इजराइल को जो मित्री संबंध थे वो ना केवल तोड़ दिए बल्कि ये भी कहा कि इजराइल एक मुस्लिम राष्ट्र है और जिसने यहूदियों ने वहां पर कब्जा कर रखा है। मीन्स कि इसराइल को कभी भी एक राष्ट्र की तौर पे मान्यता नहीं दी गई, केवल यह कहा गया कि उन्होंने एक जमीन पे कब्जा कर रखा है जो मुस्लिमों को बिलोंग करती है, यानी यहूदियों की वहां पर कोई जमीन नहीं है और इसराइल कोई देश नहीं है। और यहां तक कि जो वीजा है वो भी बैन कर दिया। मींस के अगर इसराइल का नागरिक ईरान में जाना चाहे तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। ऐसे ही वहां पे जंग बोल दी गई और दोनों ही देश आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। इन दोनों में देशों में कभी भी डायरेक्ट अटैक तो नहीं हुआ, मींस के डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुई, लेकिन सीरिया में इन दोनों देशों ने खूब जंग करी। जहां भी ईरान अपने बेस बनाता वहां पे इजराइल फाइटर जेट आते और वहां पे बमबारिंग करके चले जाते, मींस के ईरान की जो पोस्ट थी उसको तबाह कर देते। ईरान इससे काफी नाखुश है, काफी परेशान है। ईरान ने इसके लिए साइबर अटैक भी चुना और इजराइल के पास भी अपनी एक साइबर आर्मी है, उसने भी साइबर अटैक चुना। ईरान ने साइबर अटैक करके इजराइल की जो वाटर सप्लाई है उसको खराब करने की कोशिश करी। मींस के वो जो वाटर सप्लाई होती थी इजराइल के अंदर हाईटेक है, तो उसको खत्म करने की, उसको फिनिश करने की, मींस के वहां का वाटर सप्लाई रोक दिया जाए या उसके अंदर कोई जहरीली गैस लीक कर दी जाए, इस तरीके की ईरान ने कोशिश करी साइबर अटैक के थ्रू। और इसी के उलट इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला करा और उसका हमला काफी सक्सेसफुल रहा साइबर अटैक का। उसने वहां के दो न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दिए, जिससे ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था वो काफी दशक पीछे भी चला गया। इसके साथ रेगुलर ईरान के जितने भी न्यूक्लियर टॉप साइंटिस्ट होते हैं उनको इजराइल निशाने पे ले लेता है या किसी आतंकवादी ग्रुप को पैसा दे देता है जिससे वो उनके साइंटिस्ट खत्म कर देते हैं। इसमें ही लास्ट क्रम में जोसिन सर को मार दिया गया, आतंकवादी ग्रुप ने इनको मार दिया और इनके पास से कार में अपनी ड्राइव कर रहे थे, वहां पे इनको शूट आउट हुआ और इनको मार दिया गया, जिससे ईरान काफी बौखलाया हुआ है। ईरान चाहता है इस समय किसी भी तरीके से नेतन्याहू यानी इजराइल से बदला लेना, लेकिन उसके पास अभी दो मेजर प्रॉब्लम है। फर्स्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने काफी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान के ऊपर, उनके ऑयल के ऊपर, ताकि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट को आगे ना बढ़ा पाए, जिससे उनकी इकोनॉमी काफी फॉल डाउन हो गई। सेकेंड, कोरोना वायरस का अटैक ईरान में भी हुआ है जिससे वहां की इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी है। अभी ईरान केवल मेजरली अपनी ऑयल और क्रूड पे ही डिपेंडेंट है, तो ईरान की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी भी आर्मी बेस बना के अटैक कर सके।
और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि ईरान अभी अटैक नहीं कर पा रहा है, ईरान की और इसराइल की बॉर्डर शेयर नहीं होती, मींस के उनके बीच में इराक की बॉर्डर आती है, इसलिए बॉर्डर शेयर ना हो के इनको फाइटर जेट भेजने पड़ेंगे या अपना आर्मी बेस कैंप वहां पे इसके नियर बाय इराक में बनाना होगा। ईरान ये कर नहीं पा रहा, जबकि ईरान इसराइल के पास इस वर्ल्ड की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली एयरफोर्स है जो कहीं भी जाके बॉम्बारिंग कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, इसराइल यहाँ पर काफी पावरफुल है, इस कारण से ईरान यहाँ पर कोई बदला ले नहीं पा रहा, लेकिन वो कोशिश बहुत कर रहा है, वो साइबर अटैक करने की कोशिश करेगा या कुछ गोरिल्ला वॉर की तरह काम कर सकता है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप मेरे दोस्तों याद रखिए कि मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक करना तो मत भूलिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ईरान और इसराइल के वॉर के बीच में आप क्या समझते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।